Former Big Boss contestant and actor Ajaz Khan, who is very fond of superstar Salman Khan, extended his support for the actor. Ajaz was present here on Wednesday to promote his upcoming film Love Day, and here on being asked about Salman Khan's remark, the actor had this to say. यार सरकार का भी प्रॉब्लम है, सलमान भाई सही बोले कि जो वीजा मिलेगा तो आदमी अंदर आएगा, आप वीजा देना बंद करेंगे तो आदमी नहीं आएगा। उनकी बात तो सही है ना, वीजा क्यों देते हैं? मोदी जी भी खुद जाते हैं नवाज शरीफ के पास, यार उसको पता नहीं क्या दावत देने जा रहे हैं। अरे कैसे होगा सम्मेलन जो 70 साल से नहीं हुआ, वो कैसे होगा भाई? मोदी जी को नहीं जाना चाहिए, मोदी जी गए थे अभी किडनैप हो जाते, पता नहीं हमको क्या क्या करना पड़ता, क्यों गए थे पाकिस्तान? Talking about his take on banning Pakistani artists, Ajaz said, मैं तो यही कहूंगा कि हिंदुस्तान में एक्टरों की कोई कमी नहीं है। आपको पता है कि अमेरिका और रशिया का प्रॉब्लम हुआ था, उन लोग ने उनके साथ ओलंपिक भी नहीं खेला था। ओलंपिक जब खेलते थे तो उन लोग ने बोला हम ये कंट्री के साथ नहीं खेलेंगे, ये कंट्री ने हमारा बहुत नुकसान किया है। अभी मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान से, मेरे को सिविलियन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ के जितने टेररिस्ट हैं उनको वहाँ पनाह मिल जाती है, जितने गुनहगार हैं उनको वहाँ पनाह मिल जाती है। हमारे हिंदुस्तान में आपने कभी सुना है कि हिंदुस्तान से कोई आदमी जाके पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट किया है? पाकिस्तान वालों ने पाकिस्तान में किया है, बलूचिस्तान को लूट लिया, उसको ये किया। हमारे यहाँ पे कभी हिंदुस्तानी कभी कोई जाके वहाँ पे कुछ नहीं किया। तो यार हमारे यहाँ एक्टरों की कमी नहीं है, हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है भाई। एजेंट भी हो सकते हैं कोई एक्टर? नहीं हो सकते क्या? कुछ भी हो सकता है यार, हमारे यहाँ पे टैलेंट है, यहाँ से टैलेंट को इस्तेमाल करो ना, आप क्यों वहाँ पे चाटने जा रहे हो यार। Recently at a press conference, Salman reacted over the issue of banning Pakistani artists working in India by saying they are artists and not terrorists, following which the cake star was criticized a lot. IANS report.